ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स की अगर आप ISER वैल्यू की बात करें तो इनके डॉक्यूमेंटेशन में तो लिखा हुआ है कि ओ जनरल में आपको 6.5 ISER रेटिंग के एयर कंडीशनर्स भी मिल जाएंगे 2022 में। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें AC वाले वो स्टार मार्क करके लिख देते हैं, नीचे स्टार मार्क करके जो है ना वो सच्चाई वहाँ लिखी होती है। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं एयर कंडीशनर ब्रांड आपके लिए लेकर आया हूँ वो है तो एक जापानीज़ AC ब्रांड, लेकिन वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और उसका ये रीज़न है कि ये जो एयर कंडीशनर ब्रांड है ये जाने जाते हैं अपने सीरियस और प्योर कूलिंग के लिए। सीरियस और प्योर कूलिंग वाली बात मैं आपको MHI यानी कि Mitsubishi Heavy Industries में बता चुका हूँ, लेकिन ये जो एयर कंडीशनर्स हैं वो हैं ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स, या फिर इनको जनरल के एयर कंडीशनर्स भी कहा जाता है। लेकिन जनरल के एयर कंडीशनर्स मेरा मानना है आपके Mitsubishi से भी आगे निकल जाते हैं कई मामलों में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो मैं कौन सी बातें बता रहा हूँ जहाँ पर जनरल जो है Mitsubishi से भी आगे निकल जाता है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको दोनों एयर कंडीशनर्स को कंपेयर करके भी दिखा दूंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरल के एयर कंडीशनर्स के जो हैं वो मेन फीचर्स बता दूंगा और क्यों ये एयर कंडीशनर्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, और सीरियस और हेवी ड्यूटी कूलिंग आपको कैसे इन एयर कंडीशनर्स से मिल जाती है सब आपको पता चलेगा। साथ ही साथ इन एयर कंडीशनर्स की सर्विसिंग कैसी है वो सब आपको इस वीडियो में आज पता चलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है आप लोगों को मिलती रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। आपका ये जो छोटा सा लाइक है ये आपके लिए तो बस एक छोटा सा लाइक है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, जिसके लिए मैं आपका एडवांस में थैंक यू बोल देता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ बहुत बढ़िया ओ जनरल ACs के लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं जहाँ से आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे तो वहाँ से आप इनको खरीद भी सकते हैं। तो चलिए ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स के हम टेक्नोलॉजी और फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। और ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स की अगर हम बात करें, देखिए वैसे तो मैं सबसे पहले हमेशा कंप्रेसर्स को डिस्कस करता हूँ हर एयर कंडीशनर में, क्योंकि मेरा मानना है कंप्रेसर एक AC की जान होती है, एक AC का दिल होता है, और जो कंडेंसर यूनिट होता है वो AC का बैकबोन होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा जो ओ जनरल के ACs की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी खासियत है वो है इसके इंडोर यूनिट की जो हीट एक्सचेंजर है उसके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग है। ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स में जो आपको ऑपरेटर यूनिट मिलता है उसमें आपको हाई डेंसिटी मल्टी पाथ हीट एक्सचेंजर मिलता है। अब ये हाई डेंसिटी मल्टी पाथ हीट एक्सचेंजर होता क्या है? बेसिकली ACs में दो हीट एक्सचेंजर होते हैं, एक होता है एवापोरेटर साइड में और दूसरा होता है कंडेंसर साइड में। तो बेसिकली हीट एक्सचेंजर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपके AC के अंदर की हीट और बाहर के एम्बियंट के हीट टेम्परेचर के बीच में एक्सचेंज होता है। तो मैक्सिमम एयर कंडीशनर्स के हीट एक्सचेंजर में जो आपको पाइप्स यानी कि कॉयल्स मिलते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो होता है 7 mm का, यानी कि थोड़े से मोटे वाले पाइप्स होते हैं। लेकिन आपके ओ जनरल में काफ़ी पतली पाइप्स यूज़ की जाती हैं आपके एवापोरेटर साइड के हीट एक्सचेंजर में, और वो होती हैं सिर्फ 5 mm की। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे बेसिकली दो बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका जो पाइप है वो पतला होने के कारण उसमें से जो गैस है वो कम निकलती है, और गैस की जो कूलिंग है वो जल्दी होती है, गैस अपना जो टेम्परेचर है वो जल्दी से लूज़ करता है, आपके घर को ठंडा जल्दी से करता है। और दूसरा जो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है कि उसी एरिया में उसी स्पेस में आपको ज़्यादा ट्यूब्स मिल जाती हैं, ज़्यादा पाइप्स मिल जाती हैं। अब जब ज़्यादा पाइप्स मिलती हैं आपको हीट एक्सचेंजर में तो आपकी गैस की वहाँ पर कूलिंग ज़्यादा जल्दी होती है, AC की ओवरऑल एफिशिएंसी ज़्यादा आती है, आपका जो रूम है वो ज़्यादा जल्दी से कूल होता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से कूल होता है। साथ ही साथ आपको ओ जनरल में जो इंडोर यूनिट का जो ब्लोअर है वो भी आपको नॉर्मल एयर कंडीशनर से थोड़ा बड़ा मिलता है, और इसके कारण आपका जो एयर फ्लो है
है ओ जनरल में आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलता है। ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स में आपको जो एयर फ्लो मिलता है वो 10 मीटर से लेके 25 मीटर तक मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस टाइप का एयर कंडीशनर ले रहे हैं। अगर आप हाई टनेज वाला एसी ले रहे हैं, यानी कि 2 टन 2.5 टन से ऊपर वाला एसी ले रहे हैं, तो उसमें तो आपको 25 मीटर तक का एयर थ्रो मिल जाएगा। आपको लो टनेज में आपको 10 मीटर का एयर फ्लो, और आपको टनेज जैसे जैसे बढ़ती जाती है आपको 15 मीटर 18 मीटर 20 मीटर और 25 मीटर तक का एयर फ्लो आपको मिल जाता है ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स में। देखिए दोस्तों, ओ जनरल के जो एयर कंडीशनर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ एसीज में माने जाते हैं। नो डाउट इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एक प्रॉब्लम है इन एयर कंडीशनर्स में, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ इसी वीडियो में, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो ओ जनरल का वैसे कोई भी कंपैरिजन नहीं। अगर आप मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अरब कंट्रीज अगर आप देखते हैं, तो इन सब कंट्रीज में तो ओ जनरल के जो एयर कंडीशनर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, बल्कि हाईएस्ट सेलिंग एयर कंडीशनर्स वहाँ पर ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो ओ जनरल के जो एयर कंडीशनर्स हैं ये किस तरह के हार्श एनवायरमेंट को और कितनी ज़्यादा हाई एम्बियंट टेम्परेचर को झेलने के लिए बने होते हैं। दुबई जैसी कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में जो एनवायरमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है, धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 55 डिग्री सी तक एम्बियंट टेम्परेचर को ये एसीज झेल जाते हैं, और इस एम्बियंट टेम्परेचर पे भी ये एसीज काम कर जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपके जो एयर कंडीशनर हैं वो 52 या फिर 55 डिग्री सी एम्बियंट टेम्परेचर में 100% कैपेसिटी पे काम नहीं करते हैं। कुछ मॉडल्स हैं जो आपके 52 डिग्री सी एम्बियंट टेम्परेचर पे भी काम कर जाते हैं, लेकिन उस वक्त वो 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं। कुछ मॉडल्स हैं जो आपके 49 डिग्री सी एम्बियंट टेम्परेचर तक ये काम कर जाते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन वो 80% कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं। तो आपकी जो एम्बियंट टेम्परेचर में एसी की जो वर्किंग है उसमें कैपेसिटी का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये कुछ चीज़ें एसी वाले वो स्टार मार्क करके लिख देते हैं, नीचे स्टार मार्क करके जो है ना वो सच्चाई वहाँ लिखी होती है, तो वो चीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इन सब चीज़ों के लिए मैं हूँ और मैं आपको वो सब स्टार मार्क वाली चीज़ें पढ़कर आपको डिटेल्स में बता ही देता हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कोई भी चीज़ मिस आउट ना कर जाए। लेकिन जो ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स हैं दोस्तों, टेक्नोलॉजी वाइज रियली काफ़ी अच्छे हैं। अब अगर आते हैं सीधा इसके कंडेंसर यूनिट की तरफ, तो आपको ओ जनरल में आपको बड़ा कंडेंसर यूनिट मिलता है, आपको प्योर कॉपर के कंडेंसर यूनिट्स मिलते हैं। और एक और बहुत बढ़िया खासियत है ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स में कि इसके जो कंडेंसर यूनिट हैं इसमें आपको ब्लू फिन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, यानी कि इसके जो कंडेंसर यूनिट के जो फिन्स हैं उनमें एक ब्लू कोबाल्ट की कोटिंग की होती है, और ये ब्लू कोबाल्ट की कोटिंग के कारण इनके फिन्स काफ़ी ड्यूरेबल हो जाते हैं, और यही एक रीज़न है कि ये हार्श एनवायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा बियर कर जाते हैं। ये जो ब्लू कोबाल्ट की कोटिंग है ये इकलौती कोटिंग नहीं होती है, इसके नीचे एक इपॉक्सी कोटिंग भी होती है, उसके नीचे एल्यूमिनियम के जो फिन्स है वो होते हैं। तो एल्यूमिनियम के फिन्स के ऊपर 2 से 3 टाइप की कोटिंग की होती है, और सबसे ऊपर ये ब्लू कोबाल्ट कोटिंग की होती है, जिसके कारण ये एसीज काफ़ी अच्छे और ड्यूरेबल होते हैं जब आप कंडेंसर यूनिट की बात करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इन एयर कंडीशनर्स के कंप्रेसर की, तो इनमें आपको डुअल रोटरी कंप्रेसर मिल जाते हैं, और ये जो कंप्रेसर्स होते हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंजीनियरिंग की गई है, जिसके कारण कंप्रेसर का जो ओवरऑल साइज़ है वो छोटा किया गया है, कंप्रेसर को कॉम्पैक्ट बनाया गया है। लेकिन वो है ना, छोटे कंप्रेसर में ही आपको बड़ा धमाका मिल जाता है, और ओ जनरल का ये कंप्रेसर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम करता है और बहुत ही अच्छा जो है वो कूलिंग आपको देता है। ऑफ कोर्स आपको इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है जो कि डुअल रोटरी डुअल सिलेंडर कंप्रेसर है। दोस्तों, ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स बहुत ज़्यादा हाई ISER रेटिंग आपको प्रोवाइड करने वाले एयर कंडीशनर्स नहीं होते हैं, ये बने होते हैं सीरियस कूलिंग मशीन्स के तौर पे। और ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स की अगर आप ISER वैल्यू की बात करें, तो इनके डॉक्यूमेंटेशन में तो लिखा हुआ है कि ओ जनरल में आपको 6.5 ISER रेटिंग के एयर कंडीशनर्स भी मिल जाएंगे 2022 में। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओ जनरल के जो एयर कंडीशनर्स हैं वो 6.5 ISER रेटिंग आपको तब देते हैं जब वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं। मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ओ जनरल के ही वेबसाइट
वेबसाइट से ये ग्राफ लिया गया है, जहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि 6.5 ISER रेटिंग आपको मिल रही है जब ये एसी काम कर रहा है 50% कैपेसिटी पे, और जब ये एसी अपना 100% कैपेसिटी पे काम करता है, 100% लोड को ये एसी लेता है, तब आपको ये 5-5.5 का ISER रेटिंग दे देता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। आपका एसी जो है ISER रेटिंग हमेशा बेहतर देता है जब वो एक कम लोड पे और कम कैपेसिटी पे काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ISER रेटिंग को देखकर आप एसी को मत खरीदिएगा, आपको एसी की टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी। ISER रेटिंग तो अपने एसी का आप खुद से बढ़ा सकते हैं, एसी को आप इस तरीके से चलाएं कि आपके बिजली की जो सेविंग हो वो ज़्यादा हो। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो पहले से बना रखी है, लिंक ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। तो आप उस तरीके से अगर आप एसी को चलाएं तो आपकी बिजली की जो बचत है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, आपका ISER जो है वो अपने आप ही एसी का बढ़ जाएगा। ओ जनरल के जो एयर कंडीशनर्स हैं, आपको ज़्यादातर इनमें R32 गैस मिल जाती है, और मेरा मानना है कि ये गैस रियली काफ़ी ज़्यादा अच्छी गैस है। इनमें आपको एसी की एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी मिलती है। ऑफकोर्स ये गैस आपकी ओजोन फ्रेंडली और एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है ही, प्लस इस गैस को गवर्नमेंट्स द्वारा काफ़ी प्रमोट किया जाता है। और जैसे कि R22 जो है अब काफ़ी देशों में और इंडिया में भी बैन हो चुकी है, लेकिन R32 जो है एक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक गैस है, ये एसी के दाम को भी बढ़ा देती है। इसलिए ओ जनरल के जो एयर कंडीशनर्स हैं आपको थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अगर आपको लेनी है तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे तो देने ही होंगे। साथ ही साथ ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स में आपको 6 स्पीड्स मिल जाते हैं ब्लोअर के, आपको क्वाइट से लेके पावरफुल तक टोटल 6 अलग अलग स्पीड्स आपको इसमें मिल जाते हैं, और आपको हाईएस्ट स्पीड में तो काफ़ी बढ़िया एयर थ्रो मिल जाता है। जैसा मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, अलग अलग टनेज के एसीज में आपको अलग अलग टाइप का एयर थ्रो मिल जाता है। ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स में आपको क्वांडा एयर फ्लो मिल जाता है, यानी कि हवा बिल्कुल आपके फेस पे ये एसी नहीं थ्रो करता, बल्कि बिल्कुल रूफ़ पे ये थ्रो करता है, और वहाँ से ये हवा जो है काफ़ी दूर तक जाकर नीचे की तरफ आती है और आपके ऊपर बिल्कुल कोल्ड शावर का एहसास होता है। और ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स में स्टेबलाइजर इनसाइड ऑपरेशन मिल जाता है, यानी कि इसके PCB में ही आपको ऐसा अरेंजमेंट मिल जाएगा कि आपका अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है तो आपको एक्सटर्नल स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं है, इसका PCB ही आपके वोल्टेज फ्लक्चुएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। बल्कि इसके अंदर जो स्टेबलाइजर का जो बंदोबस्त किया हुआ है PCB के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया किया है, और बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज को भी इसका PCB झेल जाता है। आपके घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आपके घर में आ रही है, तो भी इसका PCB आसानी से ख़राब नहीं होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है। दोस्तों, ओ जनरल के एसीज की मेरे हिसाब से एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है इसकी सर्विस। आपको ओ जनरल के एसीज की सर्विस हर जगह हर सिटी में इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो अगर आप अपने घर के लिए एक ओ जनरल का एसी प्लान कर रहे हैं, तो पहले आप ये पता कर लीजिए कि आपके एरिया में ओ जनरल के एसीज की सर्विस कैसी है। मेरे हिसाब से ओ जनरल के जो एसीज हैं वो ज़्यादातर बड़े एरिया या फिर बड़े पार्टी हॉल वगैरह के लिए आपको इंस्टॉल करने चाहिए, जहाँ पर आपको 2-3 टन के 3-4 एसीज इंस्टॉल करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर ऐसी जगह पे आपका एक आधा एसी ख़राब भी हो जाता है, जिसकी सर्विसिंग में टाइम लग जाता है, तो भी इन द मीनवाइल आपके जो बाकी के एसीज हैं वो सही तरीके से काम करते रहते हैं और आपके रूम की कूलिंग करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको अपने घर के लिए एक ही एसी लेना है और वो अगर हो जाता है ब्रेकडाउन, तो उसकी अगर सर्विसिंग अच्छी नहीं होती है तो आपको बिना एसी के काफ़ी लंबा टाइम रहना पड़ सकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि आप ओ जनरल के एसीज ज़्यादातर प्रेफर तब कीजिए जब आपको एक जगह पे 2 ACs लगाने हो कम से कम, जहाँ पर जगह जो है वो काफ़ी बड़ी हो, या फिर आपके घर के पास अगर ओ जनरल के एसीज के सर्विस सेंटर हो तो आपको ओ जनरल के एसीज ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। अगर वारंटीज़ की बात की जाए तो ओ जनरल में भी आपको 5 साल की वारंटी मिल जाती है इसके PCB में, 10 साल की वारंटी मिल जाती है इसके कंप्रेसर में, और आपको 1 साल की वारंटी ओवरऑल प्रोडक्ट की मिल जाती है। तो यही था आज
का रिव्यू ओ जनरल के एयर कंडीशनर्स के बारे में। और ओ जनरल के एसीज रियली काफ़ी अच्छे और टफ एयर कंडीशनर्स होते हैं, लेकिन इसके सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको बाइंग डिसीजन लेना चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एसीज के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी काफ़ी बढ़िया एयर कंडीशनर्स के आपको बेस्ट बाय लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, जहां से आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी और कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।